भारत श्रियम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबको लगता है कि आरएसत्रियम इज द बेस्ट बजट क्यूब, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने YouTube पे 1000 से भी ज्यादा वीडियो देखी होंगी जिसमें लोग आपको बता रहे हैं कि क्यों ये बेस्ट बजट क्यूब है, फॉर बिगनर से लेके एडवांस तक सभी को ये सूट करता है। इनफैक्ट मेरे पास भी 3-3 RS3M है और मैं इन क्यूब्स को लगभग 2 साल से यूज करता हूँ और ये सारे मेरे मेन्स हैं, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। लेकिन आपको सब इनके प्रोस तो बता देते हैं कि क्या इनमें अच्छा है, लेकिन कोई भी इनकी बुराइयां नहीं बताता जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप इनको बाय करने जाओ, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले इसके लोगो के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आप कितना घटिया लोगो है इसमें, मतलब गैन क्यूब्स को देखो उनका लोगो कितना अच्छा होता है, और इसका लोगो देखो मतलब ऐसा कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है और कुछ समझ में भी नहीं आता। इसमें मूफांग जियोशी, मतलब जो रिसेंट मोई के क्यूब्स है उसका लोगो काफ़ी अच्छा है, अगर वो इसमें डाल दो तो कितना अच्छा लगेगा। ये घटिया सा लोगो डाल दिया है इसमें। बात कर लेते हैं इनके मैग्नेट्स कि जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज है, मतलब आप एक बार सिर्फ देखो मतलब कोई रेजिस्टेंस आता ही नहीं है, और सिर्फ एक ही मैग्नेट होता है इसमें और वो भी काफ़ी लूज होता है। अगर आपको इस मैग्नेट स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको एक मैग्नेट एक्स्ट्रा डालना पड़ता है जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। मतलब वो ही पूरा खेल जाता है, अगर क्यूब सस्ता भी बना रहे हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने भी पड़ेंगे उन्हें ताकि आप मैग्नेट्स एक्स्ट्रा लो और इसमें डालें। तीसरी बात वो है ये इतना हैवी है, मतलब अगर आप इसको स्टॉक में लोगे तो इसका वेट कहीं 86 ग्राम आता है, और अगर आप इसमें मैग्नेट्स डालोगे जो कि आपको डालने ही पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी घटिया मैग्नेट्स हैं इसके, तो इसका वेट 90 ग्राम तक चला जाता है। मतलब कैन यू बिलीव इट, 90 ग्राम, और कहाँ आपके आज नॉर्मल क्यूब जो आने लगे हैं लाइट वेट वो 70 ग्राम से 60 ग्राम में होते हैं और ये है 90 ग्राम। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म्स में आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा। एक तो इसकी स्प्रिंग नॉइज़ इतनी घटिया है, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट करता है, अगर आपने एक बार मैगलेव की भी यूज़ कर लिया ना तो आप इससे इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे नॉर्मल वाले से बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार सुनो। और एक बात जो इसकी काफ़ी बड़ा कॉन है वो है इसका, मतलब इसमें काफ़ी जल्दी ज़्यादा स्लज जमा होता है, और काफ़ी जल्दी भी होता है और काफ़ी ज़्यादा जमा होता है। तो मतलब कुछ दिन पहले मैंने इसको ल्यूब करा था और आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा स्लज जमा हो चुका है अभी से ही, तो ये बार बार आपको साफ करना पड़ेगा। और ये ल्यूब भी बहुत ही ज़्यादा खाता है ये क्यूब, मतलब अगर आपने एक वेलोसिटी मंगाया है तो वो आपको नॉर्मल क्यूब में जितना चलता है उससे कम आपको ये RS3M में चलेगा। लेकिन इतनी सारी बुराई के बाद भी लोग क्यों इसे बेस्ट बजट क्यूब कहते हैं, वो इसकी टर्निंग, जो टर्निंग ये 1000 रुपीज़ में प्रोवाइड करता है वो इस रेंज में कोई भी क्यूब, मतलब कोई भी क्यूब प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी क्यूब इसकी टक्कर में भी नहीं आता, इतना अच्छा क्यूब है। मतलब लोगो, ये मैग्नेट्स, ये सारी वो वाली चीज़ें हैं जो आपके टाइमिंग में इतना अफेक्ट नहीं करती, मतलब आप लोगो से क्या आपका टाइम अफेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आपकी टर्निंग है वो आपकी जो मैटर करती है, और ऐसा ही होता है आपके टाइमिंग्स के साथ। और काफ़ी ज़्यादा स्पीड क्यूबर्स भी इसे यूज़ करते हैं, इनफैक्ट अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2023 में उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड क्यूबर्स ने इसे यूज़ किया था और इससे उसे अच्छे टाइम भी मिले थे, और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी RS3M में टूटे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी इससे टूटे, तो अगर आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यूब को इतने सस्ते में आपको मिल रहा है तो वो जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, और इस प्राइस रेंज में मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको इससे बेहतर क्यूब नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो बेखौफ ये वहाँ बाय कर लीजिए आप। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सिर्फ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब भी एक सब्सक्राइबर बढ़ता है मेरे सब्सक्राइबर काउंट में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे को और वीडियो बनानी चाहिए लोगों के लिए, लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।